जो हुक्म हो तो मदीने में घूमने आए। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो शिहाब भाई के लिए लोगों की प्यार है वो बहुत ही ज़्यादा है, और शिहाब भाई के लिए लोग बहुत ही ज़्यादा तादाद में दुआ भी कर रहे हैं दोस्तों, शिहाब भाई को जल्दी वीज़ा मिल जाए। जैसे कि आपको पता है कि शिहाब भाई को अपने सफ़र में निकले हुए 4.5 महीने हो चुके हैं, और शिहाब भाई आज भी अपने सफ़र में रुके हुए हैं दोस्तों, वीज़े की प्रॉब्लम की वजह से। और दोस्तों, उनका जो वीज़ा है ट्रांजिट वीज़ा, वो भारत से ही रुका हुआ है। अभी उन्हें भारत से कुछ लेटर पैड वगैरह साइन कराना रह गए हैं दोस्तों, वो जैसे ही क्लियर होता है पाकिस्तान शिहाब भाई को ट्रांजिट वीज़ा दे देगा। अब बात करें दोस्तों शिहाब भाई की दुआ की, तो दोस्तों शिहाब भाई के लिए आप दुआ करते रहें तो शिहाब भाई का पूरा सच्चा लाइव लोकेशन देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, और जुड़ने के लिए दोस्तों नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा के बेल आइकन प्रेस कर दें। और दोस्तों शिहाब भाई के लिए कमेंट में माशाल्लाह लिखते रहा करें, और एक लाइक भी उनके लिए कर दें। अब मैं बात करूँ दोस्तों शिहाब भाई के लिए, जो एक पाकिस्तान के ऑफिसर हैं, उन्होंने शिहाब भाई के लिए रो रो कर दुआ करी है दोस्तों। वो ऑफिसर पाकिस्तान के हैं, उनका नाम शान गाजी दोस्तों। उन्होंने शिहाब भाई के लिए बहुत ही ज़्यादा रो रो कर दुआ करी है, सुनिएगा आपके लिए। मैं क्लिप सुनाता हूँ आपको। जो हुक्म हो तो मदीने में घूमने आए, दियार पाक की दीवार चूमने आए, तुम्हारे दर की जो दीद हो जाए, कसम खुदा की गरीबों की ईद हो जाए। अलैकुम रहमतुल्लाह, मैं हूँ आपका भाई गाजी शान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह ताला हर बे औलाद को औलाद नरीना अता फरमाए। कि आपकी भतीजी है यानी कि मेरी बेटी है, इसके लिए दुआ करें। अल्लाह पाक इसके नसीब अच्छे करे, इसको आशिक रसूल बनाए, और इसकी आने वाली ज़िंदगी में अल्लाह इसको ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हैं शिहाब भाई को खासा गांव में स्टे किए हुए, वहाँ पे उनका प्रोसेस चल रहा है वीज़े का। पाकिस्तान और इंडिया के जो भी मामलात हैं वो आप सबके सामने हैं, कि अभी तक शिहाब भाई को पाकिस्तान में एंट्री का जो उनका सर्किट नहीं बना, उनकी जो रुकावट नहीं हट रही अभी तक। तो जैसे ही उनकी रुकावट हट जाएगी तो शिहाब भाई पाकिस्तान में एंटर हो जाएंगे। तो शिहाब भाई, ये मेरी वीडियो स्पेशल आपके लिए है, और मैं ये ख़ास तौर पर आपके लिए वीडियो बनाने के लिए हाज़िर हुआ था। मैं खुद भी, जैसा कि आप जानते हैं, कल पाकिस्तान से हज बैतुल्ला की सआदत हासिल करने के लिए पैदल सफ़र करने का मैंने ऐलान भी किया हुआ है और इरादा भी रखता हूँ। तो आपको पता है कि मेरा कोई छुट्टी का मामला मुझे दरपेश है, मुझे डिपार्टमेंट की तरफ से छुट्टी चाहिए, उसके लिए मैं भाग दौड़ कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मेरा वो मामला हल नहीं हुआ। तो इसी तरह जिस तरह आपका वीज़े का मसला अटका हुआ है, इसी तरह मेरा छुट्टी का मामला थोड़ा सा अटका हुआ है। तो मीनारों को देखेंगे, मीनारों को और गुंबद खजरा के पूरे नूर नजारों को, पूरे नूर नजारों को हम जाके मदीने फिर वापस नहीं आएंगे, वापस नहीं आएंगे। घबरा न तू दीवाने, सरकार बुलाएंगे हमें, सरकार बुलाएंगे इंशाल्लाह, हमें सरकार बुलाएंगे। हो करम सरकार, अब तो हो गए गम बेशुमार, जानो दिल तुम पे फिदा ऐ दो जहां के ताजदार। जैसे कि दोस्तों आपने इस क्लिप में सुना होगा कि शान गाजी बहुत ही रो रो कर शिहाब भाई के लिए दुआ कर रहे हैं। दोस्तों आप भी शिहाब भाई के लिए ऐसी दुआ कीजिएगा, शिहाब भाई को जल्दी वीज़ा मिल जाए। तो शिहाब भाई का पूरा सच्चा लाभ लोगों को जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाएँ, और जुड़ने के लिए नीचे दिए गए लाल रंग का सब्सक्राइब बटन को दबा के बेल आइकन